इसी के साथ रुक करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। बता दें 2 जुलाई 2020 अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। 2 जुलाई को देवताओं के 4 महीने तक शयन की देवशयनी एकादशी के मंगल मुहूर्त में भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दुनिया होगी। प्रधानमंत्री अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित मंदिर निर्माण स्थल से लाई गई पवित्र मिट्टी का पूजन 1 जुलाई को दिल्ली स्थित लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास पर करेंगे। पूरे विधि विधान से होने वाले इस पूजन में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के भी पुरोहित शामिल होंगे। पूजन के बाद सुपूजित मिट्टी को लेकर प्रधानमंत्री के खास सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या जाएंगे। वहां देवशयनी एकादशी के मंगल मुहूर्त में प्रातःकाल भूमि पूजन होगा। मानसून की फुहारों के बीच रामलला के जन्मस्थल पर आधुनिक मंदिर के निर्माण का श्री गणेश होगा। रूपेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। रूपेश, 2 जुलाई की हम बात कर रहे हैं जो दिन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है 2 जुलाई। देखिए, जिस तरह से आपको बता दें, कल जो है जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि जो है व्यवसायिक लॉन्च की है और इसका शुभारंभ जो है पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जो है इसका किया शुभारंभ किया है। और जिस तरह से अब राम मंदिर निर्माण के साथ साथ जो जो व्यवस्थाएं होनी की जा रही हैं, और 18 जून को जो है जिस तरह से प्रस्तावित था मामला मुख्यमंत्री का आने का अध्याय, लेकिन वो नहीं आ पाया किसी उससे, तो वो मामला भी रद्द कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को आने की बात कही गई थी, 1 जुलाई को यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आकर के वो जो है यहाँ पर एक ईट रख सकते हैं आकर के राम जन्मभूमि की और इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा उल्लास यहाँ पर है यहाँ के संतों में, महंतों में, यहाँ के लोगों में कि 2 तारीख को इसका शुभारंभ किया जा सकता है और बड़े बहुत ही बेहद जो है मजबूती के साथ और जो है बहुत खुशी के साथ लोग यहाँ पर इसका इजहार करना चाहते हैं। और जो यहाँ के संत महंत हैं, महंत गोपाल दास हैं, कमलेन दास हैं, जो यहाँ के और संत महंत हैं, बहुत ही खुश है, प्रसन्न है और जल्द जल्द भव्य मंदिर का निर्माण होगा उसके लिए लोगों में एक आशा जगी हुई है। तमाम जान